हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो कि नोइंग अवर नंबर के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो उसकी तीन एक्सरसाइज थी, तीनों एक्सरसाइज हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होल नंबर के बारे में, ठीक है। तो बाकी बेसिक जब मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा था आपको, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये होल नंबर होता क्या है। और इस चैप्टर में हम लोग इस होल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर को ठीक से नहीं देखा है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि उसकी तीनों एक्सरसाइज को जरूर एक बार देख लें, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको चैप्टर वन का यानी कि 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसे जरूर देख लेना। उसके बाद इस चैप्टर को देखना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बन पाएगी, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ पाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज एक्सरसाइज 2.1। और 2.1 को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं पहले वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे इस एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये होल नंबर होता क्या है। तो स्टार्ट करता हूं, पहले एक बार होल नंबर डिफाइन कर देता हूं कि क्या होता है, कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये होल नंबर है, इन सब चीजों के बारे में। अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो चले सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने पहले भी देख चुके हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करो, अभी तुरंत लाइक करो और कमेंट करो कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यानी कि अपना नाम लिखो, अपने स्कूल का नाम लिखो और अपने क्लास का नाम लिखो, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। अपनी क्लास, स्कूल और अपना खुद का नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि भी मेरे स्टूडेंट कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होता है बेटा, कि जैसे हम लोग काउंटिंग सीखते हैं तो काउंटिंग में क्या करते हैं, जब हम काउंटिंग वन से स्टार्ट करते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह आगे इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो ये तो नेचुरल नंबर होता है। लेकिन अगर काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमारा अगर जीरो हो और फिर उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये कहलाते हैं होल नंबर। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। तो ये कह सकते हैं होल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो क्या बोल सकते हो कि होल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो वन से नंबर जो स्टार्ट होता है, वन से जितने भी ये सब नंबर दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं जीरो और ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी पूछे कि होल नंबर क्या है तो बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, इस तरह से बढ़ाते जाओगे, वन ऐड करते जाओ अगला नंबर आता चलेगा, वन ऐड करते जाओ अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होल नंबर हो गया, ठीक है। अब थोड़े से और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि होल नंबर के अलावा और क्या क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि भी होल नंबर क्या होता है, कि नेचुरल नंबर और जीरो को जब हम मिला लेते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं, तो वो होल नंबर बन जाता है और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि भी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, काउंटिंग अगर मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, वन से अगर मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। होल नंबर कहां से, जीरो से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है। बस ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अब तक। इसके अलावा कुछ और भी नंबर होते हैं, कौन से, चलो उनको भी समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना लाइन, और इसमें मैंने ये काउंटिंग लिख दी है, तो इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ये जो दिख रहा है ना काउंटिंग, ये जीरो पॉइंट, ये क्या है, जीरो पॉइंट है। और ये जो है इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है कि नंबर्स लिखी जाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आपके स्केल है ना, स्केल यूज करते हो तो स्केल में कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करें, राइट साइड में शिफ्ट करें तो क्या होता है, प्लस वन होता है। अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करें तो प्लस वन करते चले जाते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं
किधर, लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, और इधर क्या होता है, इधर माइनस वन करते हैं, ध्यान रहे, लेफ्ट साइड में जाने के लिए माइनस वन करते हैं और राइट साइड में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं, ठीक है। अगर मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है तो, और जो भी राइट साइड में नंबर है, राइट साइड में नंबर है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़ा है, यानी कि फोर इज ग्रेटर देन फोर इज ग्रेटर देन थ्री बोल सकते हैं हम लोग, थ्री इज ग्रेटर देन टू एंड टू इज ग्रेटर देन वन और फाइव इज ग्रेटर देन फोर, इस तरह बोल सकते हैं, यानी कि राइट साइड में जो नंबर है वो लेफ्ट साइड से नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये जीरो से लेकर के जो नंबर है ये सब होल नंबर है, और देखो जिस तरह से ये पॉजिटिव नंबर है, ये जीरो के इधर जो राइट साइड में होते हैं, जीरो के जो राइट साइड में, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जो जीरो के राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव नंबर है और जीरो के लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यानी कि नंबर्स को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जीरो के जो नंबर लाइन के राइट साइड में है जीरो के, वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नंबर्स की जगह हम एक टर्म और यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, ठीक है। ये माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इन सबको अगर कंबाइंड बोला जाए तो इसको कंबाइंड हम बोल सकते हैं, इसे इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नंबर्स होते हैं और इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सब इंक्लूडेड होता है। क्या क्या इंक्लूडेड होता है इंटीजर के अंदर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। जो पॉजिटिव है उसे बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव है उसे बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर, बस इतना सा फर्क है। इंटीजर का क्या होता है, जितने भी नंबर्स है चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जीरो, सबको इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव में उसे बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव में उसे बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, देखो एक टर्म है सक्सेसर, टर्म क्या है सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स क्या होता है, वन एडिशन करना, यानी कि वन प्लस करना। अगर मुझे 599 का 599 का सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर मीन्स होता है उसका नेक्स्ट स्टेप, जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसकी बात की जाती है। यानी कि 599 में अगर मैं वन ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, वन ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका सक्सेसर आ जाएगा। तो 600 क्या है, इसका सक्सेसर है। तो सक्सेसर याद रखना क्या होता है, नेक्स्ट नंबर होता है सक्सेसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि भी सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है किसी भी नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है उसे हम सक्सेसर कहते हैं। या फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करो तो क्या करोगे, वन प्लस कर दोगे उसके, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं, सपोज करो आपके पास एक नंबर है 19, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं 19 का सक्सेसर निकालो, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, 19 में वन प्लस कर दोगे, और जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 क्या है, 19 का सक्सेसर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सक्सेसर मीन्स क्या है, उसमें से वन प्लस कर दे किसी भी नंबर का। अगर मैं कहूं कि 5 का सक्सेसर निकालो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का सक्सेसर बोलूं तो 7 हो जाएगा। यानी कि एक फॉरवर्ड काउंटिंग है, उसके नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका सक्सेसर होगा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सक्सेसर क्या है। चलो अब देखते हैं एक और टर्म है इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एक और टर्म है उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है बैकवर्ड काउंटिंग। क्या होता है इसका मतलब, बैकवर्ड काउंटिंग यानी कि उससे पहले वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि 10 का प्रीडिसेसर क्या है, 10 का प्रीडिसेसर क्या है, तो 10 में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो जब 1 माइनस कर दोगे 10 में तो आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, 9 10 का प्रीडिसेसर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर है मेरे पास 19 नंबर है, अगेन एग्जाम्पल से ले रहा हूं 19।
अब मुझे 19 का प्रीडिसेसर निकालो, निकाल के बताओ। तो क्या करोगे, 19 में 1 माइनस कर दोगे। जब माइनस करोगे तो क्या आंसर आता है, 18 आता है। तो 18 क्या है, 18 19 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि मान लो 5 एक नंबर है। अब मैं बोल रहा हूं 5 का प्रीडिसेसर निकालो, तो 1 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 4 का भी प्रीडिसेसर निकालो, तो इसमें भी 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रीडिसेसर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीडिसेसर में क्या होता है, 1 माइनस करते हैं, बस इतना याद रखना है। और सक्सेसर में क्या होता है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सक्सेसर के बारे में पढ़ा, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, बस ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सक्सेसर में प्लस 1 करेंगे और प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है 2.1। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे नोट करना। और हाँ, ध्यान रहे, इससे पहले जितनी भी चीजें मैंने समझाई, चाहे वो होल नंबर के बारे में, ठीक है, या फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में, या फिर नेक्स्ट ये नंबर लाइन के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में समझा, ये सारी चीजें नोट भी करनी है। और नोट इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो उस टाइम अगर इसे देखोगे दोबारा तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार कॉपी में से नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार रीड कर रहा हूं इसे, जो ब्लैक बोल्ड कलर में ये तो क्वेश्चन है और नीचे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें मैं सारे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, जरा देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर दिस। ये जो नंबर गिवन है, ठीक है, 10,999, इस नंबर का नेक्स्ट थ्री सक्सेसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि 10,999 का हमें 3 नेक्स्ट सक्सेसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद ये नंबर लिखोगे, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो 10,999 में क्या करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे। तो जब 1 प्लस करोगे 0 0 एंड 0, और ये क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 11,000 आ गया। कैसे आया, प्लस करके आया, सक्सेसर फाइंड आउट करके। अब क्या करेंगे, 11,000 में भी 1 ऐड करेंगे। हाँ, ये प्लस करके दिखाना है बेटा। ठीक है, तो ये 0, ये 1 हो जाएगा, 0,0,1 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया, 11,001 आ गया नेक्स्ट सक्सेसर। अब इसका भी सक्सेसर फाइंड आउट कैसे हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुआ होगा। इसमें भी 1 प्लस हुआ होगा, यानी कि 11,001 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ये आ गया, और ये 0,0,11,11, यानी कि 11,002 आ गया। तो ये इसके नेक्स्ट 3 सक्सेसर या फिर नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर निकालना हो या फिर सक्सेसर निकालना हो तो क्या करोगे, 1 प्लस करोगे। जब 1 प्लस करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में यही था, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए या फिर नेक्स्ट सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए, 1 प्लस करना है, सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर। देखो दो बातें हो सकती है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जा सकता है क्या, आफ्टर, और एक पूछा जा सकता है बिफोर। तो दोनों वर्ड को अच्छे से नोट कर लो मैथ्स में। यहां पे आफ्टर का मतलब क्या है, आफ्टर का मतलब सक्सेसर की बात की जाएगी, और बिफोर का मतलब क्या है बात की जाएगी, बिफोर का मतलब प्रीडिसेसर की बात की जाएगी। सक्सेसर में 1 प्लस करना है, ठीक है, सक्सेसर में क्या करना है, ऐड करना है या फिर प्लस करना है 1 को। ठीक है, अब प्रीडिसेसर में सबट्रैक्ट करना है, या फिर यूं बोलूं कि माइनस करना है 1 को। इसमें प्लस 1 होगा और इसमें माइनस 1 होगा।
हुआ, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आफ्टर का मतलब वन प्लस करना है, बिफोर का मतलब वन माइनस करना है। इस तरह से हम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये नोट कर लिया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिफोर बोला जा रहा है। बिफोर का मतलब क्या है, वन माइनस करना है इसके अंदर। ठीक है, और कितनी बार करना है, नेक्स्ट थ्री करना है। जैसे लिखा है ना, राइट द होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 10001 हो गया, इस तरह 10002 3 4 चलता रहेगा। तो ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक, अब निकालना है हमें बिफोर वाला। तो सबसे पहला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, और लिखने के बाद इसमें 10001 में वन माइनस करेंगे। पहले सबसे फर्स्ट निकालने के लिए तो वन कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया, फिर जीरो और जीरो। ठीक है, ये जीरो 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 आ गई। ठीक है, कितनी बार जीरो है यहाँ पे, फोर टाइम्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये वन हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, ये 10000 हो गया। तो ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, सेकंड रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, हम 10000 में से अगेन माइनस वन कर देंगे, तो ये 9 आएगा, कैसे, बोरो करके। अब यहां पे क्या बचा, 9 बचा, यहां पे भी 9 और यहां पे भी 9, 4 टाइम्स बचेगा भाई। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 9999। कैसे निकाला, माइनस वन करके। अब इसका भी एक नंबर और पीछे जाएंगे, यानी कि इसका भी प्रीडिसेसर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें, 9999 में से माइनस वन करेंगे, और ये आ जाएगा यहां 8 आ जाएगा, और इधर 9 9 एंड 9, यानी कि 9998 हो जाएगा। तो ये इसके जस्ट बिफोर वाले नंबर है, थ्री नंबर, जिसे मैं एक बात और क्या बोल सकता हूँ, प्रीडिसेसर बोल सकता हूँ। प्रीडिसेसर में क्या होता है, माइनस वन करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत इजी था, 1 में सक्सेसर फाउंड आउट किया हमने। ठीक है, इस वाले में ये जो 1 क्वेश्चन अभी किया ना हमने, 1 में हमने क्या किया, सक्सेसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और बिफोर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। आफ्टर का मतलब यहां पे क्या, जो वर्ड है ना आफ्टर, इससे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है आपको, ये हिंट देगा क्वेश्चन में कि आफ्टर का मतलब क्या करना है, प्लस वन करना है, और बिफोर का मतलब क्या है, जब बिफोर बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या, माइनस वन करना है। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, कर लिया। चलो मैं समझाता हूं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि भी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, बट होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि जिस नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होल नंबर, तो देखो तो स्टार्टिंग क्या है इसका, जीरो है, तो जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, जीरो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होल नंबर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो कि क्वेश्चन 3 का आंसर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो लिख दोगे जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चाहो तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना, या आप ऐसे दिखा सकते हो, जीरो फिर 1 2 3 4 एंड 5, और दिखा देना कि भाई ये सर, ये जो जीरो है, ये जो जीरो, जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर होंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक या तो एक ऐसा कर लो कि भाई एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो यहां और यहां, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना,
यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे 32 लिख लो, और उसके बाद इधर जो है इधर क्या लिखोगे, 53 लिख लो, और इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबको काउंट कर लो। एक तरीका तो ये है, मेथड फर्स्ट मेथड तो ये है, ठीक है। यानी कि ये क्या आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 और 50, फिर 51, फिर क्या आएगा, 51, 52, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि 33 से लेकर के 52 जितने भी काउंटिंग वो हमारा रिजल्ट होगा। एक तरीका तो ये, इसके अंदर 32 को हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान रहे, बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब 32 नहीं आएगा और 53 भी नहीं आएगा। ये दोनों क्या है, एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है जिसको इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 33 से लेकर के 52 तक की काउंटिंग हमें लेनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब समझाता हूं कि भी एक तरीका तो ये बता दिया मैंने कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में जितने भी नंबर हैं सबको काउंट कर लो और अपना आंसर लिख लो, एक तरीका तो ये। अब दूसरा मेथड जो कि इस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया हुआ है वो क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर गिवन है, मान लो फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर का मतलब जो ग्रेटर नंबर, उसका नाम रख लेता हूं नंबर वन, रख लेता हूं उसका नाम वन, मैंने नीचे लिखा है ध्यान से देखना। और दूसरा नंबर जो दे रखा है उसका नाम रख लो नंबर टू रख लो, ठीक है। फर्स्ट का नाम क्या रखोगे, नंबर वन, और सेकंड क्या, नंबर टू। नंबर वन जो होगा वो ग्रेटर होगा, नंबर टू स्मॉलर होगा। तो जब भी ऐसा फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, पहले लिखोगे नंबर वन माइनस नंबर टू, ठीक है, ट्रिक है बता रहा हूं, नंबर वन माइनस नंबर टू और इसमें से भी वन माइनस कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज किया, क्यों, क्योंकि काउंटिंग करना बहुत इजी नहीं है, इसको जो ऐसे कर काउंटिंग करके करोगे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर निकाल लोगे पर बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट के लिए क्या है, दोनों नंबर को माइनस कर लो पहले, ठीक है, माइनस करने के बाद उसमें वन और माइनस कर लो। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, नंबर वन क्या है, नंबर वन है हमारा 53, नंबर टू क्या है हमारे पास, नंबर टू है 32। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 53 में से क्या करोगे, 52 माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया, और फिर बाद में वन भी माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, चलो देख लेते हैं आता है नहीं आता। तो भाई ये लिखा मैंने 53 और माइनस कर रहा हूं 52, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। अब एक काम और करना है, 21 में से 1 माइनस और करना, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम दो नंबर के बीच में कितने नंबर है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आ जाएगा उस आंसर के साथ उसको के साथ एक बार और वन माइनस और कर देना। तो ये ट्रिक है, ठीक है, तो इसे कहीं लिख के रख लो भाई ध्यान से, ये बड़ा काम आने वाला है कि नंबर वन माइनस नंबर टू। नंबर वन क्या है, फर्स्ट नंबर जो ग्रेटर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर जो होगा, और नंबर टू क्या होगा, स्मॉलर नंबर जो छोटा नंबर होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, और उसमें से वन माइनस करना, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें अगर दो नंबर के बीच में हमें कितने भी नंबर फाइंड आउट करना हो तो बहुत सिंपल है कि दोनों को माइनस करेंगे और उसमें से वन और माइनस करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में तो सीधा सीधा बोल दिया भाई कि क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर। सक्सेसर की मीनिंग क्या है, सक्सेसर की बहुत सिंपल सी मीनिंग है क्या, एड वन, क्या मतलब है, मतलब है वन को प्लस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका सक्सेसर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें वन प्लस कर दूंगा, इसमें इसका निकालना हो इसमें वन प्लस कर दूंगा, इसका निकालना हो वन प्लस कर दूंगा, ठीक है, डी का निकालना हो डी में भी क्या करूंगा, वन प्लस कर दूंगा, वन प्लस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, इजी है ना। चलो एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी तीन खुद से करना, यानी कि ये 2440701, इसमें अगर मैं वन प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा, 112 हो गया, ये 0704 अगेन 4 एंड 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आ गया, यानी सक्सेसर बोला गया था। तो इस नंबर यानी कि ए पार्ट मैंने कर दिया सॉल्व,
इसका सक्सेसर क्या आ गया, ये आ गया भाई इसका सक्सेसर, ठीक है। और रिमेनिंग खुद से करना है, कैसे करोगे एक बार देख लो कैसे, प्लस करके करोगे। चलो फटाफट करो, तो जल्दी से ये देखो, यहां मैंने कर भी दिया है, फर्स्ट वाले का ये रहा, ऐसे किया ना। सेकंड वाले का क्या करेंगे, सेकंड में भी ये देखो वन ऐड कर दिया है बी पार्ट में, सी पार्ट में भी क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे, और डी पार्ट में भी क्या किया मैंने वन ऐड कर दिया। कहने का मतलब है कि वन प्लस करना है, एक में कर चुका हूं, बाकी जो रिमेनिंग है उसे खुद से करना है। कैसे करोगे, प्लस करके, ठीक है। चलो कर लेना। नेक्स्ट ये कौन सा है, ये बी पार्ट है। सी पार्ट में भी क्या करोगे, ये कितनी बार नाइन है, फाइव टाइम्स नाइन है, इसमें भी वन प्लस करोगे। और डी में भी क्या करोगे, डी में भी बहुत सिंपल है, जो नंबर गिवन है ठीक है उस नंबर में क्या करना है हमें, प्लस वन कर देना। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, इजी है। तो सक्सेसर को ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए सक्सेसर फाइंड आउट करो तो क्या करोगे, वन प्लस कर दोगे, ठीक है। ए पार्ट में इससे पहले यहां कर चुका हूं, कोई कहेगा सर आपने ए पार्ट नहीं समझाया, तो बता रहा हूं ए पार्ट ये रहा, ठीक है। अब बाकी बी सी डी पार्ट के लिए खुद से करना भाई, और हाँ प्लस करके दिखाना है, अगर ये प्लस करके नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, प्लस करके दिखाना पड़ेगा, शॉर्टकट मत चले जाना, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्टकट हो जाएंगे, ठीक है, मार्क्स भी शॉर्टकट जैसे मिलेंगे कम मार्क्स मिलेंगे फिर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, और इसमें बोला गया राइट द प्रीडिसेसर। तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए प्रीडिसेसर की मीनिंग क्या होती है, बता चुका हूं मैं पहले ही क्या मीनिंग होती है, सबट्रैक्ट, क्या सबट्रैक्ट करना है, वन सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि वन माइनस करना है, ठीक है, क्या माइनस करना है, माइनस वन करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो एक करूंगा मैं, बाकी खुद से करना होगा। चलो कौन सा करूं, मैं ऐसा करता हूं डी वाला करता हूं, इस बार उल्टा करते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, बाकी छोटे छोटे आप लोग कर लेना। तो जैसे इसमें नंबर है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए मैंने क्या करना है, माइनस वन करना है, तो वन माइनस करोगे जीरो, ये टू रह जाएगा, ये थ्री रह जाएगा, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, यानी कि इसका अगर प्रीडिसेसर है तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, यानी 4, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 आ गया, ठीक है, ये इसका प्रीडिसेसर होगा। बाकी जो थ्री है यानी ए बी सी, ये खुद से कर लो, कैसे करोगे, सिंपल है भाई, माइनस वन का तरीका अप्लाई कर देना है इसके, ठीक है, वैसे मैंने कर दिया है पर सॉल्यूशन करके दिखाना भी है। ये देखो ए में क्या किया, 91 में से 94 में से 94 में से वन माइनस करना है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 10,000 है, तो 10,000 में क्या करोगे, वन माइनस करना है, ठीक है, कर लोगे, इजी है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 208090, इसमें से भी वन माइनस करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है, ठीक है, तो इनको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि समझ में ये आ गया होगा प्रीडिसेसर में क्या होता है, कि वन माइनस करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, और सक्सेसर में क्या करते हैं, वन स्टेप आगे आते हैं, ठीक है। जब भी प्रीडिसेसर की बात की जाए क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना प्रीडिसेसर में क्या हो रहा है, प्रीवियस यानी पीछे जाना है, पी फॉर प्रीवियस, पी फॉर पीछे, याद रख लेना भाई। और क्या करते हैं पीछे जाने के लिए, वन माइनस करें, जैसे अभी सिक्स में हो, अगर मैं कहूं कि भाई पीछे चलो, तो कौन सी क्लास में पहुंच जाओगे, फिफ्थ में पहुंच जाओगे, है ना। और सक्सेसर में क्या होता है भाई, सक्सेस हो गया भाई, सक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, आदमी आगे बढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है भाई, कि ये आगे जाएगा, ठीक है, सक्सेस अचीव कर लिया है इसमें, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सक्सेसर प्रीडिसेसर वाले क्वेश्चन कितने भी आ जाएं सारे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हो ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन का है, और इसमें क्या कंपैरिजन करना है पहले समझ लो, उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला जा रहा है आपसे, पहले रीड करते हैं, ठीक है, अभी पहले नोट नहीं करना है, पहले समझ लो।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, अभी यहाँ पे नंबर्स किस में दे रखे, पेयर्स में दे रखे, यानी कि दो दो नंबर का एक पेयर बना के दे रखा है, पेयर्स ऑफ नंबर, स्टेट विच होल नंबर इज द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, कि इनमें दोनों में से लेफ्ट साइड पे कौन सा होगा, लेफ्ट वाला कौन सा होता है, याद करो मैंने एक नंबर लाइन बताई थी और बताया था कि नंबर लाइन में सेंटर में क्या होगा, जीरो होगा, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ सक्सेसर होता है, बड़ा नंबर होता है, और इस तरफ क्या होता है, छोटा नंबर होता है, यानी कि माइनस वाला होता है, उसे एक माइनस, यानी उसे एक पीछे वाला, बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड में होता है और छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, बड़ा नंबर राइट साइड में, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसके ए पार्ट को, जैसे इसमें बोला ना आल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन, कि भी साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन भी लगा देना है उसके बीच में, ठीक है, पहले नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और ये साइन भी लगाना है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि भी सक्सेसर कौन सा है, यानी कि उससे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है, एक करते हैं ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे देखो ये जो नंबर है पहला क्या था, देखो दोबारा चलते हैं, ये था ना 530 एंड 503, ठीक है, तो 530 क्या होगा, आगे होगा, जैसे मान लो इस पोजीशन पे क्या है 530 है, तो इससे पीछे ही होगा ना 503 इसके पीछे होगा, ठीक है, नंबर लाइन में 530 आगे होगा और 503 पीछे होगा, ठीक है, पीछे का मतलब है लेफ्ट साइड में छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा नंबर, ऐसे लिखोगे। फिर बाद में जैसे बोला जा रहा है कि भी कंपैरिजन करके और दिखा दो, लो भाई कंपैरिजन करके भी दिखा देंगे, ये दिखा दिया ना कंपैरिजन करके, ठीक है, कैसे कंपैरिजन किया, कि लिखोगे 530 बॉक्स बना लो, 530 इज ग्रेटर देन 503, ये नंबर पहले ये लिखना कंटिन्यू, उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, मैं तो हमेशा कहूंगा कि भी नंबर लाइन ड्रॉ करके काम करो, ठीक है, ये मान लो जीरो है और पहले क्या आ जाएगा 503 आ जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा 530, ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो, और जैसे मैंने लिखा ना यहाँ कि सो 503 अपेयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन, कि 503 क्या है, ये लेफ्ट साइड में अपेयर हो रहा है, लेफ्ट है ना, ये राइट साइड में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 370 और 307, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसा ही है, तो पहले तो ये साइन करके बताओगे कि ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा है, तो 370 इज ग्रेटर देन 307, ये लिख दिया, अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में 307 आएगा, कैसे आएगा, कुछ इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, और यहां पे एक जीरो मान लो, और ये दो नंबर यहां पे क्या आएगा, पहले 307 आएगा, उसके बाद 370 आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा है, लेफ्ट साइड में ये नंबर है, लेफ्ट ये जीरो हो गया, अरे भैया ये भी ये नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, चलो अब देखो तो ये मैंने नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ, अरे क्या हो रहा है, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, कर दिया, उसके बाद मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे अज्यूम कर लिया जीरो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी कि 307 यहाँ पे है और 370 यहाँ पर है, तो ये जो नंबर है ये क्या है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 307 है, देखो इसमें यही करना था, तो 307 विल अपियर लेफ्ट साइड में, इसके अपियर होगा और कंपेरिजन करके दिखाना है, तो ये लो भाई वो भी दिखा दिए, ठीक है, बाकी सी पार्ट देखो और डी पार्ट देखो। तो सी पार्ट में बोला जा रहा नंबर क्या आपके पास, ये नंबर है 98,765, यहां देखो बड़ कितने डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है, तो 5 डिजिट में जो सबसे आगे वाला नंबर डिजिट है ये 5 है, ठीक है, और ये क्या है 9 है, इससे कंपैरिजन हो गया सीधा सीधा कि भाई ये 98,000 है और ये क्या 56,000 है, तो 98,000 हमेशा क्या होता है ग्रेटर ही रहेगा भी, तो इसे भी कंपैरिजन करके दिखा दोगे, तो ये लो भाई कंपैरिजन हो गया कंपैरिजन, ये बड़ा नंबर कौन सा है 98 वाला है, और उसके बाद नंबर लाइन में ड्रॉ और कर देना ऐसे करके, तो इधर लिख लोगे जीरो, पहले लिखोगे 56,789, बाद में हो जाएगा 98,765, ठीक है, हो गया, इजी है ना। तो इसका जो डी पार्ट है, अब डी पार्ट खुद से कर लोगे,
कुछ नहीं है इसके अंदर, कंपैरिजन करना था और छोटा नंबर कौन सा वैसे तो बता दिया गया है, पर इसे सॉल्व करके जरूर दिखाना भाई नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कौन सा पेयर हो रहा है, ये वाला पेयर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सारा, पूरे चारों के चारों पार्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझ लो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच आर फॉल्स। ट्रू का मतलब करेक्ट की बात की जाएगी, फॉल्स का मतलब इनकरेक्ट यानी कि गलत की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास खूब सारे स्टेटमेंट लिख दिए गए इन्होंने यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। ये पूरा ए से लेकर के एम तक खूब सारे स्टेटमेंट दे दिए हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि भी इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और फॉल्स का मतलब क्या है, माइनस का स्टेटमेंट, मतलब क्रॉस स्टेटमेंट, यानी क्रॉस का मतलब है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अरे भाई नेचुरल नंबर में तो वन से स्टार्ट होता है, जीरो तो आता ही नहीं है, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होता है, जीरो तो आता ही नहीं उसके अंदर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब क्या लगाओगे यहाँ पे, एफ लगा दोगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में ऐसे लिख भी देना, एफ ए एल एस ई फॉल्स, ठीक है, लिख भी सकते हो उसे, कर लोगे इजी है। चलो ये मैं हटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है, एफ लगा दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है कि 400 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 399। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट होता है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट होगा या प्रीवियस होगा, प्री 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 प्री, प्री का मतलब पीछे, पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला। तो ये बोला जा रहा है कि 400 का, 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ, प्रीडिसेसर ऑफ किसका, 399 का, कि 399 का प्रीडिसेसर, नहीं भाई ये तो इसमें वन ऐड हुआ है, प्रीडिसेसर थोड़ी है 400, 400 क्या है इसका, सक्सेसर है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि 400 क्या है, 399 का सक्सेसर है, यानी कि 400 क्या है, एक नंबर बड़ा है, तो सक्सेसर हुआ, प्रीडिसेसर थोड़ी हुआ, फॉल्स हो गया ये भी। अच्छा नेक्स्ट देखो, सी सी में बोला जा रहा है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ भाई ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जीरो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे लिखोगे ट्रू, ट्रू का मतलब यहां क्या लगाओगे, टी लगा दोगे। सेंटेंस पूरा लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, डायरेक्ट टी एफ करके मत लिख देना। अच्छा उसके बाद बोला जा रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी ट्रू है, यानी कि 599 में अगर 1 ऐड करूंगा मैं, प्लस करूंगा तो क्या आता है, 600 आते हैं, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। हाँ भाई बिल्कुल, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या, होल नंबर। कैसे, एक बार नंबर लाइन दोबारा देख लेते हैं, याद आ जाएगा कुछ, कि जितने भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर भी है, ठीक है। कैसे, एक और डायग्राम देखते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये है नेचुरल नंबर का सर्कल, तो नेचुरल, ये एक मिनट रुको, ये देखो ये नेचुरल नंबर का सर्कल है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, दिख रहा है सर्कल के अंदर, दिखा भाई ध्यान से देखो, बीच में एक सर्कल है ब्लू कलर में, वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर के अंदर आ जा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल आ जा रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, बाद में आने वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। और इसमें जो ये जो दिख रहा है ना नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर के अंदर आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, इस बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल आ रहा है, आ रहा है भाई, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। बाकी डिटेल में बाद में समझाऊंगा ये डायग्राम क्यों बनाया मैंने, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। नहीं भाई ये फॉल्स हो गया, कि जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस वजह से फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, प्रीडिसेसर ऑफ टू डिजिट इज नेवर ए सिंगल डिजिट। नहीं भाई ये भी गलत है, टू डिजिट का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जाम्पल देख लो,
टेन है, टेन का अगर प्रीडिसेसर निकालना है मुझे तो वो क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। टेन टू डिजिट नंबर है और नाइन क्या वन डिजिट नंबर है, तो भाई आंसर तो आ सकता है ना। इन्होंने कहा कि नेवर 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 तो नहीं है भाई, एक बार तो आ ही रहा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। ठीक, फिर उसके बाद है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नहीं भाई, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो होता है, वन नहीं होता। वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। बिल्कुल सही बात हो रहा है कि नेचुरल नंबर का जो प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, वन का प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वन से होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो ये ट्रू है। जीरो से स्टार्ट कौन सा होता है, होल नंबर होता है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में होल नंबर लिखा होता तो कुछ और आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला कि नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके पूछ लिया गया कि द होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। नहीं भाई, क्योंकि जीरो नंबर जीरो जो है, जीरो इसका प्रीडिसेसर है, यानी कि वन में से अगर वन माइनस करोगे जीरो आता है, तो जीरो क्या है, जीरो होल नंबर तो है ना, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नो नहीं आएगा भाई, जीरो आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो के, के में बोला जा रहा है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अरे 11 एंड 12 के बीच में 13 आता है क्या, नहीं भाई ये भी गलत है, 12 के बाद आता है 13, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। 11 आता है, फिर 12 आता है, उसके बाद 13 आता है, इनके बीच में थोड़ी आता है, बिटवीन थोड़ी आता है, 13 इनके बीच में थोड़ी होता है ना, गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स लगा दिया मैंने। और नेक्स्ट है द होल नंबर जीरो हैज नो प्रीडिसेसर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। जीरो होल नंबर, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसका प्रीडिसेसर नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग ही जीरो से, उससे पीछे कुछ भी नहीं है, होल नंबर की अगर मैं बात करूं तब के लिए। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर, सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर ऑलवेज टू डिजिट नंबर। नहीं भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टू डिजिट नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज टू डिजिट नंबर, कि टू डिजिट वाला कोई नंबर है, कुछ भी ले लो, जैसे 21 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी ले लो, इन सब में इनका जो सक्सेसर आएगा वो टू डिजिट नंबर में आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये 22 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ गया, यानी कि एक ऐड ही होगा। ठीक है, टू डिजिट में ही आएगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, मैंने टी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, प्लस करोगे सक्सेसर आता है, तब माइनस करते प्रीडिसेसर। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, चलो एक बार बेसिक स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि होल नंबर क्या है। ठीक है, तो होल नंबर मैंने बताया कि भाई होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर मैंने इसको डिफाइन किया कि जीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम मिला देता हूं तब होल नंबर बन जाता है। ठीक है, जीरो और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, ये था। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि भाई नेचुरल नंबर होल नंबर की जो ये थ्योरी है, जो भी है, ये इसकी नंबर लाइन कैसे होगा, ये इसका नंबर लाइन हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा इंटीजर का। इंटीजर क्या होता है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिला देते हैं तो इंटीजर बन जाता है। नेगेटिव वाले को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये जीरो से लेकर जितने भी होते हैं इन सबको होल नंबर बोलते हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि भाई कॉन्सेप्ट सक्सेसर का, जिसमें प्लस वन करते हैं, और उसके बाद हमने सीखा माइनस वन करके प्रीडिसेसर कैलकुलेट करना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और उस कॉन्सेप्ट के बाद बीच में मैं एक चीज और लेके आया था, जो मैंने बोला था इसे ध्यान से देख लो डायग्राम को एक एक करके। अभी मैंने नेचुरल नंबर समझा दिया है, और उसके बाद होल नंबर समझा दिया, और आज मैंने इंटीजर और समझा दिया है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में होता है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो होता है, ये तीन चीजें होती है। ठीक है, इंटीजर के अंदर। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में भाई होता है जीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए मैंने एन यूज कर दिया। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 चलता रहे, स्टार्ट कहां से, 1 से होगा नेचुरल नंबर। और उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें सक्सेसर प्रीडिसेसर और इस तरह की चीजें कैलकुलेट की। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कमेंट में भाई कमेंट नहीं करते हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ना अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो करवाया मैंने, ठीक है, जो 8 करा, इसका एक आंसर मैंने डिटेल में यहां लिख दिया है।
ठीक है, अगर यहां समझने में नहीं दिक्कत आ रही है तो इन सब का आंसर मैंने यहां भी लिख दिया। ठीक है, आज क्या करना है, सब बच्चों कमेंट जरूर करना है ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चा इसको देख रहा है और कहां से देख रहा है। नेम क्लास, ठीक है, उसके बाद स्कूल, स्कूल क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे भी देखते हैं तो वो भी बताना मुझे, और सिटी बताना कौन सी जगह रहते हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, हमने आज कर लिया एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया। अब मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो एक्सरसाइज 2.2 की आएगी। और हाँ, जिसने भी चैप्टर 1 साइंस का नहीं देखा है तो भाई जरूर देखना, इसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2 के बाद एक टेस्ट लिया है मैंने, टेस्ट 1, तो तीनों वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बेटा यही है, नेक्स्ट क्लास कब होगी इसके बारे में डिटेल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।